कल्पांत में एक नारायण से ब्रह्मा और उनसे मनु शत्रुपा को कारण हो राम के जन्म का, राम के अवतरण का, राम प्रकट हो इसके निमित्त मनु शत्रुपा का तप है। तप या धर्म, ये बिना ईश्वरी आज्ञा के नहीं हो सकता। धर्मज्ञस्य शीलस्य, वो शील है, धर्म है, तप है, उनकी आज्ञा से ही वही अंश आप में आएंगे, उनकी आज्ञा से। ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सर इसको नाई। आप अगर उदार हैं, जल्दी क्षमा कर देना जानते, दूसरों के दोष नहीं दिखते आप में, परदोष दर्शन का अभाव आपका सिद्ध हो गया है, तो जान लेना भगवान के भक्त हैं, आप पर कृपा है उनके। आपके पास जो है उसे बांटना आपने सीख लिया है, तो क्योंकि अर्थ की तीन ही गति है, पहली है भोग, दूसरी है दान, तीसरी है नाश। तीन त्यक्ति ने भुंजी था मां ग्रध कस्वित धनम, ये वेद मंत्र है। सबसे पहले दान करना सीखो, दान देना सीखो, दान ये देने का आरंभ करोगे तो इसी को तप कहेंगे। देना आरंभ करो, यज्ञ करो, यज्ञ हुआ विष्णु। अगर अपने भीतर में अवतरण करना है ईश्वर का और सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, जयी बनना है, देना आरंभ करो। भगवान प्रकट हुए देवधनुष मनुजों के सामने उपदेशक बनकर, दैत्य समझ गए थे कि हम अपात्र होने पर भी हम कुपात्र हैं, फिर भी भगवान उपदेश देने आ गए और भगवान ने उनको उपदेश देते हुए कहा दा, और पूछा भगवान ने क्या समझ आया। दैत्यों ने कहा हमको समझ आ गया, द एक ही अक्षर का उपदेश दिया है आपने, इसका अर्थ है दया, हम दुष्ट हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दया। दया में मान दान पहले, प्राण दान पहले, दूसरों के हित की रक्षा, उनका अपहरण न करना, छल न करना, ये दया। थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर, मैं कुछ कह रहा था, छल न करना ये धर्म है, ये ध्यान देना मेरी बात पर, छल न करना धर्म है। अरे छल मत करो भाई, छल करके धन मत ऐठो लोगों से, छल करके जो छल करके पैसा कमाया जाता है, कपट करके जो कमाया जाता है, कपट करके जो दान लिया जाता है, कपट और छल करके जो बड़प्पन अर्जित किया जाता है, इमेज मेकर। आजकल तो बहुत लोग हैं जो इमेज मेकर हैं, आपको बड़ा चढ़ा के बता देंगे कि आप ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उस तरीके के, एक फेक एलिवेशन खड़ा किया जा सकता है, एक बड़ी पर्सनैलिटी आपकी बताई जा सकती है, अब वैसे है नहीं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको बड़ा कहे, तो दो चार बार कहे, अरे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, अच्छे हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं, आप बड़े महान हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं। अच्छा कोई ऐसा दो चार बार न कहे, आदत भी पड़ जाती है अपने गुणों को सुनने की, अपने रूप की, गुण की, चरित्र की प्रशंसा की आदत पड़ जाती है, और कोई आपकी प्रशंसा न करे ना, तो आप फिर थोड़ा सा ऐसा योजना बनाते हैं, एक दो हल्की फुल्की बात सरकाते हैं, हमने ऐसा किया वैसा किया, लोगों को सूत्र देते हैं कि वो आपकी चर्चाएं करें, आपके रूप की, गुण की, शील की, अरे क्या बात है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी आप दुबले पतले लग रहे हैं, डाइटिंग की, क्या किया, भोजन कैसा किया, क्या चल रहा है, बड़े परेशान हो जाते हैं, किसी ने सुंदर नहीं कहा, अच्छा नहीं कहा, दो चार बात आपने बातें सरकाई, आजकल तुम ऐसा लेते हैं, वैसा खाते हैं, ये पीते हैं, ग्लूटेन फ्री है, ऐसा फ्री है, वो है, कुछ नहीं,
और फिर एकदम शुरू हो जाते हैं लोग, अरे हाँ बड़े सुंदर हैं अच्छे, तो अच्छा लगने लगता है। क्या अपने को तो देखो उन्होंने महान बताना शुरू कर दिया, हम जई हैं, महान हैं, दानी हैं, दाता हैं। छल न करना, किससे? अपने से। अपने से छल मत करो, अपने को ब्लफ मत करो, धोखे मत रखो, अपने को मत रखो, झूठ में मत रहिए, अपने को आवरण मत ढकिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए, छल मत कीजिए। छल से हम संपत्ति, दान, संपत्ति, मान, कीर्ति छीनना चाहते हैं लोगों से, छल न करना, धर्म कीजिए। बड़े उदाहरण जो किसी का शत्रु ही नहीं है, ऐसा पुत्र चाहिए। 12 साल तप किया, पहले भोजन सीखा, फिर शयन सीखा, और फिर उन्होंने नियमन, ये सीखना होगा। घर में धन आ गया हो, संपत्ति आ गई हो, और सब तरह की अनुकूलताएं आ गई हो, तो थोड़ा मेंटली और फिजिकली हेल्थ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा थोड़े फिजिकली मेंटली फिट रहिए। अगर घर में अनुकूलताएं आ गई हों तो स्पिरिचुअली, इमोशनली, रिलीजियसली थोड़ा सा ठीक हो जाइए। मन, बुद्धि, विचार इन्हें ठीक कर लो, शरीर को ठीक कर लीजिए, सोना सीख लो। सोने का मतलब बुद्धू बक्सा हटाइए। कुछ घरों में बुद्धू बक्से बैठे हुए हैं, अब बुद्धू बक्से की जगह मोबाइल ले लिया, उसको चलाते रहते हैं, अब उसे ढूंढ क्या रहे ये नहीं पता, क्या ढूंढ रहे हैं उसमें। मनुशत्रुपा का जीवन उर अभिलाष, एक उत्तम पुरुष चाहिए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा तेरी मनोकामना पूरी होगी, चल कौशल्या बनकर आ, और ये दशरथ बनकर आए। मनुशत्रुपा, कौशल्या और दशरथ बनकर आए अयोध्या में, अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवानाम प्रोरध्या। इतना महान शासक कि इंद्र भी जिससे सुरक्षा की गुहार करता है, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र आदि भयभीत हो गए दिशाचरों के प्रहार से, आवाज लगाई, अरे मित्र हमारी रक्षा कर। अपनी पत्नी को रथ पर बिठाकर अंबर में छलांग लगाकर रथ के साथ पूरी सेना के साथ संकल्प बल से इंद्र के पास पहुंचे, भयभीत हो गया इंद्र कि तू है कौन, कौन है तू, ये सारे हाथी घोड़े इतने सैनिक आकाश में आ कैसे सकते हैं, कौन है तू। उसने कहा मैं दशरथ हूं, दशरथी, दसों इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हैं, मैं अपनी इंद्रियों को जीत चुका हूं, मैं दशरथी, क्या चाहता है ये मुझे सता रहे हैं निशाचर। उन सबको ठीक किया, युद्ध में परास्त किया, और अपने मित्र को फिर से मुकुट पहनाया, इंद्र बना रहे। ऐसा कहते हैं कि जब जब स्वर्ग में इंद्र जाते थे, रामायण में लिखा है, जब जब स्वर्ग में दशरथ जाते थे उनके लिए आसन नहीं बिछाया जाता था, कभी भी इंद्र कभी भी उनके लिए आसन नहीं देता था। आसन माने कुर्सी या कोई ऐसी बड़ी चीज, कभी नहीं। इंद्र उठकर खड़ा हो जाता और अपना आसन देता था, इंद्र के आसन पर दशरथ बैठते थे, इंद्र के आसन पर। और फिर दशरथ उसे कोने में बैठा लेते, इधर आ जा, जा, जा बैठ यहीं पर बैठ। राजा भाई कहां जाएगा, धरती का राजा दशरथ। एक बार नहीं, वाल्मीकि रामायण में तो कितने प्रसंग आते हैं ऐसे, अध्यात्म रामायण में कितने प्रसंग आते हैं, पुराणों में कितने प्रसंग आते हैं। एक बार थोड़े गए दशरथ स्वर्ग में, अनेक बार। अब अकेले थोड़ी जा रहे के कई साथ में। जब राजा दशरथ बैठेंगे सिंहासन पर उनके साथ, तो के कहां बैठती होगी, सचे इंदिरा उठकर खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ती, आप यहां बैठिए, ये कौन है जिसके यहां राम आएंगे कल, कौन है, हम राम जन्म कल करेंगे, राम जन्मोत्सव हम कल करेंगे, जो राम है कौन, दशरथ का बेटा, और ये दशरथ कौन है,
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रवध्या। इसका अर्थ क्या है? एक ऐसा पुर अयोध्या जो न जीती जा सके। अयोध्या 22 जनवरी को वहां थे उसी अयोध्या में। अरे क्या अयोध्या, अब तो बदल गई अयोध्या, सरयू अयोध्या जो देवताओं के द्वारा न जीती जा सके वो अयोध्या। उस अयोध्या में दशरथी दसों इंद्रियों को जीतने वाले दशरथी, ये मनु शत्रु पर दशरथ और कौशल्या बनकर आए और अयोध्या में प्रतीक्षाएं राम की।